दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, क्यों रहती है, क्या कारण है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो आंतों में गति होती है, वो कम हो जाना कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। उसके कम होने का कई कारण है। आपको मल त्याग करने की इच्छा हुई और आप रुके हुए हैं तो वो गति रुक जाती है या कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लीवर डिस्टर्ब होना या लीवर कमज़ोर होना, बारीक पिसा हुआ आटा खाना, जिसे बारीक पिसा हुआ आटा, मैदा, बिस्किट, ऐसी चीज़ों का सेवन करना, बिना चोकर वाले आटे के सेवन करना, छिलके उतारे हुए दाल का सेवन करना, पालिश वाले चावल का सेवन करना, हरी सब्जियों से छिलके उतार कर उनका उपयोग करना, पानी कम पीना, मेहनत या एक्सरसाइज नहीं करना, पैदल ना चलना, लैट्रिन से पहले तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, किसी प्रकार के लग्जेटिव को यूज़ करना हैबिचुअल बना देता है, अधिक परिश्रम करना और भोजन कम लेना, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। चिंता करना, किसी चीज़ का भय होना, अधिक क्रोध करना, मानसिक विकार या लंबे समय से बीमारी चल रही हो, मैदा निर्मित पदार्थ का सेवन करना, बहुत ज़्यादा तेल या चिकने चीज़ का बने हुए पदार्थ का सेवन करना, भोजन में परिवर्तन, भोजन में फाइबर की कमी, भोजन के समय में परिवर्तन, भारी या गरिष्ठ जल पीना, जल पानी हम जो पीते हैं अगर वो भी भारी है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। गरिष्ठ जल पीना, पानी में बदलाव और वृद्धावस्था की कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन समस्या हो सकती है। डायबिटीज हो या किसी औषधि का सेवन कर रहे हो, लंबे समय से किसी औषधि का सेवन कर रहे हो, कोडीन, ओपियोइड्स या ऐसी दवाओं आदि का सेवन करने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। रात में जागने से, असमय भोजन करने से, बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जिनसे कॉन्स्टिपेशन समस्या हो सकती है। निरंतर बैठे रहना, कुर्सी पर बैठे रहना, ऐसा काम जो कर रहे हो जिस पर आपको बैठा रहना पड़ता हो, विटामिन बी की कमी भी कॉन्स्टिपेशन बना सकती है दोस्तों। यह है दोस्तों, ये हम आपको कारण बताए, आप इन पर विचार करके भी कुछ समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सभी कारणों का निदान कैसे पाया जाए दोस्तों।